हेलो बच्चों, संस्कार एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है बहुत। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब कंपाउंड एंगल्स। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज स्टार्ट कर चुकी है, फोर क्वाड्रेंट सिस्टम देख चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई लिंक आ रही है उसको क्लिक करके आप वहां पे पहुंच सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब जो हमको आगे बढ़ना है वो देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब कंपाउंड एंगल्स। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले और प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर ले, ताकि आपको सारा कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। चलिए, तो इसमें जो है हमारे कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 11th के ये फॉर्मूलाज हैं जो सबसे ज्यादा जिसको देख के स्टूडेंट्स भागते हैं। लेकिन इन फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, गिन के आपके ये 8 फॉर्मूलेज हैं जिससे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। बहुत सिंपल है और याद करने का भी उसको बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके डेरिवेशन में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये आपके बुक में अवेलेबल है। अगर आपको और भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली उसको बताएंगे। लेकिन इसके डेरिवेशन फिलहाल आते नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको अभी स्किप कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे। सिमिलर वे में साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नोट करते चलिए साथ साथ में, क्योंकि बोर्ड अभी हमको क्लीन करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आपका कॉस ए प्लस बी का रहता है। कॉस ए माइनस बी का जो रहेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जरा यहाँ पे ध्यान देखना, साइन के प्लस वाले में प्लस आता है, कॉस के प्लस वाले में माइनस आता है। साइन के माइनस वाले में माइनस आता है, कॉस के माइनस वाले में प्लस आता है। दूसरा, जब कभी साइन रहता है तो साइन और कॉस का पेयर बनता है, जब कभी कॉस रहता है तो कॉस का कॉस के साथ पेयर बनता है। इसके थ्रू आप ये चारों फॉर्मूले याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका टेन ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी में जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद दो और फॉर्मूले आते हैं, इसको स्पेशल फॉर्मूला बोल सकते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में यूज होते हैं लेकिन याद करना है। पहला फॉर्मूला है कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, उसका फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये 8 फॉर्मूले से ये चैप्टर हमारा डील होगा। तो बिना डिले किए इसके क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको दो कोई भी रेशियोज दे देगा, साइन ए कॉस बी का या साइन बी कॉस ए का, और आपको कुछ कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, जरा डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5 एंड कॉस बी इज इक्वल्स टू 5/13 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब आपको बोल रहा है किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये 4 चीजों की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जरा देखिए, यहाँ पे साइन ए गिवन है, कॉस बी गिवन है। अगर मैं सबसे पहली जो चीज निकालनी है मेरे को साइन ए प्लस बी, उसका फॉर्मूला लिखता हूं। अभी अभी आपने देखा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला रहता है। मेरे पास साइन ए अवेलेबल है, कॉस बी अवेलेबल है, कॉस ए अवेलेबल नहीं है, साइन बी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा, कॉस ए की वैल्यू निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेगी, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब कॉस थीटा लूंगा तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी, रूट में 1 माइनस 16/25, एलसीएम लेंगे तो 9/25 मतलब 3/5 आ गया आपको किसकी वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। यहां से अब क्या निकालूंगा मैं, साइन बी को कैलकुलेट करूंगा, वो कितना हो जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, रूट में 1 माइनस 25/169 विच विल बी इक्वल्स टू 144/169 मतलब 12/13। ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले साइन ए गिवन था, मैंने कॉस ए निकाल लिया, कॉस बी गिवन था, मैंने साइन बी निकाल लिया। अब बस मेरे को फॉर्मूले में पुट करते चलना है, क्या लिखूंगा, 4/5 इंटू 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है, 12/13। अब जरा ये 5 5 को कैंसिल मत कर लेना, एलसीएम लेने में फिर आपको दिक्कत जाएगी। तो इससे बेटर क्या है, 5 4 20/65 और प्लस 36/65 which will be equals to 56/65। तो ये आपको मिल गया फर्स्ट वाला।
ठीक है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब जरा साइन ए माइनस बी में अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं, ये आप नोट करते चलिए साथ साथ में, जब साइन ए माइनस बी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मालूम है साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो मैं सबको चेंज कर लेता हूँ, ये माइनस, अब 20 माइनस 36 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 16/65। तो ये आपको मिल गया सेकेंड बी, साइन ए माइनस बी का कैलकुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग लेते हैं किसका, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसका बेटा, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, कॉस ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, कैलकुलेट किए थे हमने 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू कितनी है 5/13, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू 12/13। तो ये कितना हो रहा है बेटा, 15/65 माइनस 48/65। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, 65 आ रहा है, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 15 और 48 गया, बचेगा कितना आपके पास 33/65। कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं हमारा, इसलिए इसको यहीं तक छोड़ेंगे। ये आपको मिल गया कॉस ए प्लस बी की वैल्यू, और साइन आपके पास आएगी इसमें नेगेटिव। दूसरा, जब हम लोग को अब कॉस ए माइनस बी निकालना है, तो जैसे कि फॉर्मूले में देखे थे वहां पे प्लस हो जाता है, तो हम लोग बस इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, जब बेटा इसको ऐड करोगे 48 में, 63/65। तो ये मिल गया आपको लास्ट। तो ये इस वे में आपके लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आ सकता है अप टू 4 मार्क्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक मालूम है, क्लास 10th का एक फॉर्मूला यूज हुआ हमारा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और उसके बाद जो हम लोगों ने अभी चार फॉर्मूले स्टार्टिंग के लिखे, वो चार फॉर्मूले यूज हुए। आपको एक एक नंबर में, यानी चारों कंडीशन में एक एक मार्क्स रहता है, 4 मार्क्स आपके फ्री में मिल गए। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बर्डन लेके मत पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्री को, क्लास 11th का बहुत अच्छा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कुछ आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, ये आरडी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग को एनसीईआरटी भी सॉल्व करनी है, आरएस भी सॉल्व करनी है, जो क्वेश्चन में डाउट जा रहा है आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, इवेलुएट साइन 78 इंटू कॉस 18 माइनस कॉस 78 इंटू साइन 18। अब देखिए, ये आपको कभी भी स्पेसिफाई करके नहीं आएगा कि ये कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल का मतलब ही रहता है कोई एडिशन करके, कोई सब्सट्रैक्शन करके। तो इसीलिए हम लोगों ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब यूज किया है। तो अब यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला बना हुआ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये जरा इमेजिन करो, ये ऐसा कुछ बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ पैटर्न इस टाइप का दिख रहा है। तो जब पैटर्न इस टाइप का, ये किसका फॉर्मूला था हमारा, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये अभी अभी हमने देखा स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज में। तो यहां पर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ए कितना है आपका 78 है, बी कितना है आपका 18 है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी जगह डायरेक्टली, साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 इंटू साइन 18 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन 78 माइनस 18 विच विल बी इक्वल्स टू साइन 60। अब साइन 60 कितना रहता है बेटा, √3/2 आ गई इसकी वैल्यू आपके पास, कितना, √3/2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले याद हैं तो ये चैप्टर तुरंत तुरंत बनता है। क्लियर है, आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं बन रहा है वो हमसे पूछिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बेटा वो थोड़ा सा लंबा है, और कैसे है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले यूज है पूरे पूरे, और आपका 10th का थोड़ा बहुत बेसिक लगेगा। क्वेश्चन दिया है आपको, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टेन ए, ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी का क्या लिखूंगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। देन तीसरा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब जरा देखिए कौन सा टर्म्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं,
और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसल आउट हो जा रहे हैं, तो बच क्या रहा है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी कितना हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या बन जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस बी कॉस बी कट गया, टू टू कट गया, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना आ गया बेटा आपके पास, टेन ए विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। आया समझ में किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। इस वे में हम लोगों ने चारों फॉर्मूलेज लगाए और उसका बस एडिशन किया और ये हमको आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले याद है बहुत जल्दी बनेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग समराइज करते हैं इसको। आपको क्वेश्चन दे दिया है, ये थोड़ा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है समझिएगा जरा, 10 का ही क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट 10 3a × 10 2a × 10a इज इक्वल्स टू 10 3a − 10 2a − 10a। अब देखो ऐसा तीन वाला तो आपने कहीं पे भी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है वो समझिएगा जरा। और ये हमेशा टेन या कॉट के ही टर्म्स में आएगा और किसी के टर्म्स में नहीं आएगा। यहाँ पे सपोज करेंगे हम लोग, लेट 2a + a इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3a होगा। ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी ऐसा देगा कि जिसमें दो को सम करने में तीसरे के इक्वल मिलेगा, तो आपको वो लिखना है हमको, ठीक है। अब क्या करूंगा, टेकिंग टेन बोथ द साइड बेटा, ये हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है जो इस टाइप करेगा। मैंने दोनों तरफ क्या किया, टेन लिया, तो ये क्या बन रहा है बेटा आपका, 10 2a + a विल बी इक्वल्स टू 10 3a। अब यहाँ पे 10a + b का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 10 2a + 10a/(1 − 10 2a) × 10a will be equals to 10 3a, ठीक है, आ गया बस आंसर। अब देखिए कैसे आएगा मैजिकल वे में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2a + 10a will be equals to 10 3a × 1 − 10 2a × 10a, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास जरा देखना, 10 2a + 10a will be equals to 10 3a − 10 3a × 10 2a × 10a। देखो मिलता जुलता दिख रहा है, जो हमको चाहिए था उसके जैसा कुछ कुछ, बस अब इस टर्म को इधर लेके आते हैं, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 10 3a × 10 2a × 10a will be equals to 10 3a − 10 2a − 10a। यही प्रूफ करना था, जरा चेक कीजिए, इसके थ्रू हमारा ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको सिर्फ बेसिक वो आठ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उसके ज्यादा आपको अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में और जरूरत पड़ेगी। तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो डाउट जा रहा है वो हमको कमेंट सेक्शन में मेल करके या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछिए, हम आपको उसके सॉल्यूशन का या तो वीडियो के फॉर्म में या तो आपको जिस फॉर्म में कन्वीनियंट रहेगा उस फॉर्म में आपको कन्वे करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। टिल देन कीप सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।